अफवाह ने महंगाई व जन समस्याओं को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में किया विरोध प्रदर्शन। तहसीलदार को सौंपा 32 सूत्रीय ज्ञापन। देश व प्रदेश में प्रतिदिन महंगाई और लचर कानून व्यवस्था व अघोषित विद्युत कटौती को लेकर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा डुमरियागंज में फूट पड़ा। सपाइयों ने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार उर्फ चिंकू यादव के नेतृत्व में जुलूस निकालकर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल को प्रेषित अपना 32 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य मुद्दा घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ी हुई कीमतों को लेकर था। मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे डुमरियागंज सपा कार्यालय से पूर्व सपा विधानसभा प्रत्याशी रामकुमार चिंकू यादव के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जो मंदिर चौराहा होते हुए तहसील परिसर में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान चिंकू यादव ने कहा, घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को सरकार वापस ले और चीज है वह NPR जैसे काले कानून को वापस लिया जाए। विधानसभा के अंतर्गत आने वाले संपर्क मार्गों को बनवाया जाए और डुमरियागंज में जबरिया भूमि हड़प पर रोक लगाई जाए। डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर प्रदेश सरकार अपने करों में कटौती कर अंकुश लगाए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। अफसर रिजवी ने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जाए। सभा के बाद SDM त्रिभुवन कुमार की अनुपस्थिति में तहसीलदार को सपा नेताओं ने 32 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। खबर जगत सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। हम लोग डुमरिया समाजवादी पार्टी के लोग दिए हैं और ये मांग है कि देश प्रदेश में बढ़ती भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई को देखते हुए लूट, हत्या, बलात्कार, अभी आपने देखा रातों रात 150 रुपया के करीब इन्होंने गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ा दिया। इनके जो डुमरियागंज में स्थानीय लोग हैं, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय विधायक के लोग हैं, यहाँ जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं प्रशासन की मिली भगत से। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोगों को ज्ञापन नहीं देने दिया जा रहा है, जबरदस्ती पुलिस हमको रोक रही है, हमारे घर पे पुलिस बैठाई जा रही है, हमारे कार्यालय पे, हमारे लोगों के घर पे पुलिस जाती है कि जिससे हम कार्यक्रम ना कर पाए। और ये जो हम लोगों का आज धरना प्रदर्शन था, मजबूरी में हम लोगों को ज्ञापन के रूप में बदलना पड़ा केवल पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से। ये गुंडागर्दी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग डॉक्टर लोहिया के लोग हैं, हम लोग गांधी के लोग हैं। हम हिंसा पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। और आने वाले समय में 2022 में हम लोगों को ये पता है, जनता एकदम रूठ चुकी है इनके भ्रष्टाचार से, इनके जुमलेबाजी से। आने वाले दिन में इनको 2022 में मुंह तोड़ जवाब देगी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तब इन गुंडों से हम लोग ज्ञापन SDM डुमरियागंज के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को दिया गया है।